हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम DHCP के एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में या ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने DHCP के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, DHCP का कॉन्सेप्ट जाना और इस वीडियो में हम उसकी एडवांस सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। मैं अपने लैब की सिनेरियो पर बता दूँ, मेरे एक सर्वर है और 2 XP की मशीनें रन कर रही हैं हमारे लैब में। मैं सर्वर पर अपने आता हूँ और यहाँ पर DHCP का सर्वर मैंने रोल ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैं दिखा दूं कि वो सर्वर रोल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो एक इंटरफेस हमको मिल जाता है DHCP का। मैं उस पर क्लिक करता हूँ DHCP पे, ये विजेट ओपन होता है और इस विजेट को फॉलो करते हुए मैं एक स्कोप बनाता हूँ। यहाँ पे पहले कोई भी स्कोप नहीं बनाया था, न्यू स्कोप पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद ये पूछता है कि कौन सा स्कोप बनाना चाहते हो, स्कोप का नाम क्या रखना चाहते हो। तो मेरे केस में जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसका नाम टेस्टिंग। आप कुछ भी रख सकते हो, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपकी IP रेंज क्या होगी जिससे आप बनाना चाहते हो। तो मैं एक अच्छी बात बता दूँ, आपकी IP आप उसी रेंज में रखिएगा जिस रेंज में आपके इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स कन्फिगर हैं। क्योंकि जब भी आप DHCP सर्वर इंस्टॉल करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर का रिकमेंड करता है आपको कि आपका NIC, आपके NIC पे एटलीस्ट एक स्टैटिक IP एड्रेस जरूर होनी चाहिए। तो मेरे नेटवर्क पे 10.0.0.1 जो ए क्लास की IP है हमने कन्फिगर की है, तो बेहतर होगा कि हम उसी रेंज की IP यहाँ पे रखें, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, यानी वर्किंग नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझाता हूँ। सपोज दैट ये मैं एक कंप्यूटर लेता हूँ यहाँ पे, और इस कंप्यूटर का जो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे लैन कार्ड के नाम से हम जानते हैं, इस पे हमने 10 की IP कॉन्फ़िगर कर रखी है और इसमें जो स्कोप बनाया है वो 20 का। वो चूंकि जो हमारा NIC है, इंटरफेस है, वो 10 की IP का है, तो आउटर नेटवर्क को मान के चलते हम एक स्विच से ये कनेक्टेड है। आउटर नेटवर्क से ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, इनको IP दे ही नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि इसकी जो NIC है वो 10 की रेंज में है। अब स्कोप आप भले ही कुछ भी रखो, वो पास ही नहीं करेगा उस पैकेट्स को। हाँ, DHCP के पैकेट्स को पास नहीं करेगा। जो भी आपके NIC की सेटिंग होती है वही चीज़ हमको रखना चाहिए। ओके, फिर से मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ। तो मेरे केस में मेरी IP है 10.0.0.1। मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, आप 1 से भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। इंड IP, स्टार्ट IP कहने का मतलब होता है कि पहला IP एड्रेस आपके नेटवर्क के डिवाइस को क्या मिलनी चाहिए। तो मैं बस बेसिकली यहाँ पे 100 तक कर देता हूँ। आप चाहें उसका सबनेट मास्क चेंज कर सकते हो, मैं डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न कम हो। और नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ, ऐड एक्सक्लूज़न। ये एक्सक्लूज़न का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं इंक्लूड करना, वैसे एक्सक्लूड, एक्सक्लूड वर्ड से बना है एक्सक्लूज़न, ठीक उसके विपरीत इंक्लूड का, जिसका अर्थ ये है कि हम मान के चलते हैं ये हमारा DHCP सर्वर है और यहाँ से हमने IP देना जारी कर दिया, और एक IP हमने ले ली 10.0.0. की रेंज में। ये IP सबको मिलेगा। हम चाहते हैं उस IP रेंज में, उसी IP रेंज में कुछ IP हम बचा के रखें ताकि हम लेटर इस सर्वर को या और भी सर्वर को हम डिफाइन कर पाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वर पे जो IP होती है वो स्टैटिक ही रखी जाती है ताकि क्लाइंट को एक्सेस करने में दिक्कत ना जाए। क्योंकि DHCP, आगे चल के हम बात करेंगे, DHCP एक निश्चित पीरियड के बाद वो लीज एक्सपायर हो जाती है, और जब लीज एक्सपायर हो जाती है तो उसको एक नई IP एड्रेस मिल जाती है। जो सर्वर को नई IP एड्रेस मिल जाएगी तो क्लाइंट उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बेहतर होगा कि आप उसमें स्टैटिक IP रखें अपने सर्वर पे। वैसे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स तो ऐसे ही कहते हैं कि आपके NIC है जो उसके IP एड्रेस स्टैटिक होने चाहिए। तो आप चाहते हैं उसमें से कुछ IP एड्रेस रख लें, बचा के रख लें। सपोज दैट जैसे मैं 2 से 100 तक दे रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ 10.0.0. मैं 2 से लेके 10.0.0.10 तक अपने सर्वर के लिए बचा के रखूंगा, या लेटर यूज करने के लिए मैं रखता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन है लीज ड्यूरेशन। ये लीज ड्यूरेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसे और अच्छे से समझाता हूँ। जो DHCP सर्वर होता है, एक निश्चित टाइम के बाद, जैसा कि यहाँ पे टाइम हम देख रहे थे, देखिए डिफॉल्ट टाइम हमारी 8 दिन की होती है। 8 दिन मान के चलते हैं ये एक लैपटॉप हमारे नेटवर्क में आया कुछ ऐसा, और
उन्होंने हमारे सिस से कनेक्टिविटी की, हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो गया वो लैपटॉप, मेरा DHCP एक उसको IP देता है और 10.0.0.0 डॉट हम मान के चलते हैं 15 IP मिल गई इसको। सो 15 जो IP मिल गई, जो ये 15 IP मिल गया है इसको, ये हमारे DHCP सर्वर इसको अलॉट कर देता है, और जब तक ये नेटवर्क में रहेगा उसको IP वही मिलेगी। सो DHCP सर्वर करता क्या है कि इस मशीन के नाम पे वो IP एड्रेस रिजर्व कर देता है। सो 1-8 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जब ये देखेगा कि ये नेटवर्क में मशीन नहीं है, तो वो IP एड्रेस किसी दूसरे मशीन को रीएलोकेट कर सकता है। सो उसको हम कहते हैं लीज ड्यूरेशन। सो डिफॉल्ट में 8 दिन लीज ड्यूरेशन है, आप इसे कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, एज पर योर नीड। सो मेरे को ऐसा कोई नीड नहीं है, फिर नेक्स्ट मैं करता हूँ। अगले कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, कॉन्फ़िगर DHCP ऑप्शंस। अगर आप और कुछ ऑप्शन होते हैं जिसको आप सेट करना चाहते हो, आप चाहो तो नो कर सकते हो, आई विल, मतलब कि मैं बाद में ऐसा करना चाहता हूँ, या आपको अभी करना हो तो इस रेडियो बटन को चेक रहने दो और नेक्स्ट प्रेस करो। देखिए अगला ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट गेटवे या राउटर की IP एड्रेस क्या है, उसकी एंट्री करो। तो मैं फिर से इस इमेज को दिखाऊं, अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे हमारा कोई राउटर होता, यहाँ पे हमारा कोई एक राउटर होता और ये ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और ये हमारे नेटवर्क में ये राउटर जो कनेक्ट है, कुछ इस फॉर्मेट में हम मान के चलते हैं राउटर ये है। ओके, इस वाला थोड़ा सा सिंबल राउटर का मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये राउटर है, R फॉर राउटर। सो ये DHCP सर्वर बताएगा ये DHCP सर्वर बताएगा कि कौन सा रूट है, कौन सा वो राउटर है जिसके थ्रू हमारा इंटरनल मशीन एक एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर सकता है। सो एक्सटर्नल लिंक के लिए एक डिफॉल्ट रूट होना जरूरी है। सो इसकी सेटिंग आप कर सकते हो जो भी हो आपके केस में, जैसे मेरे केस में तो कुछ है नहीं, फिर भी मैं बता दूं, मान के चलता हूँ मेरा 10.2 है और उसे हम ऐड कर सकते हैं, नहीं मैं 10.16 रखता हूँ, ऐड कर दूंगा, तो बाकी नेटवर्क्स में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे सभी क्लाइंट्स को TCP/IP सेटिंग में उनको पता लग जाएगा कि ये गेटवे है जिसके थ्रू आउटर नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर सकते हैं या इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, डोमेन नेम DNS सर्वर, आपके नेटवर्क में DNS सर्वर है जो नेम रिजोल्यूशन का काम करता है, IP करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस से नाम, कंप्यूटर के नाम टू IP एड्रेस, IP एड्रेस नाम से जो रिजोल्यूशन होता है उसकी दे सकते हो, तुम आप यहाँ से वो इसकी एंट्री कर सकते हो। तो मेरे इन्वायरमेंट में DNS भी नहीं है। नेक्स्ट करता हूँ विंस, DNS से पहले चलता था विंस, अब विंस चलना बंद हो गया, तो उस सर्वर को भी आप चाहो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगला ऑप्शन है जो आपने स्कोप बनाया, क्या उसे एक्टिवेट करोगे अभी या बाद में, तो मैं अभी कर देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट इसलिए दिया है, मान के चलते हैं कि कोई टेक्निकल बंदा या सभी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दिया है किसी कंपनी में और कंपनी अभी चल नहीं रही है और वो कॉन्फ़िगरेशन करके चला गया, तो बाद में कोई नॉन टेक्निकल पर्सन सिर्फ उसे एक्टिवेट कर सकता है। सो मैं तो अगर वो उस समय नहीं एक्टिवेट करना चाहता, बाद में हो सकता है फिलहाल। सो नेक्स्ट फिनिश। सो देखिए टेस्टिंग ये एक्टिव है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ से इसके डिलीट, इसको डिलीट भी कर सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा हम क्लाइंट एंड पे चलते हैं, क्या क्लाइंट्स हमारी IP पा रही है कि नहीं। सो मैं दूसरे मशीन पे आता हूँ और दूसरे मशीन पे मैं दिखा दूँ मेरी IP पहले क्या है। अभी मेरी IP अपीपा ने दिया है। सो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मशीन को रिबूट करूँ या मैं कमांड चलाऊँ, या एक तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि अपने NIC को डिसेबल करके अगर मैं इनेबल करता हूँ तो जो भी हमारे नेटवर्क में सर्वर होगा, क्योंकि हमारा क्लाइंट करता क्या है, ब्रॉडकास्ट पैकेट पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है कि हमारे नेटवर्क में जो भी DHCP हो उसको रिस्पॉन्ड करे, तो DHCP उसको रिस्पॉन्ड करता है, उससे TCP/IP की सेटिंग दे देता है। तो मैं इसे एक बार डिसेबल करता हूँ और डिसेबल करने के साथ इसे इनेबल करता हूँ। सो इनेबल करने के बाद हम लोग देखते हैं इसकी IP एड्रेस क्या मिली, आप कमांड से भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहीं से लाइक करता हूँ TCP/IP, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक करो आप, स्टेटस, स्टेटस में सपोर्ट, सपोर्ट बटन पे अगर आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है।
हमारी आईपी एड्रेस मिली 10.0.0.11। ऐसा क्यों हुआ 11 मिला? एक्चुअली जो हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था, अब देख सकते हो फिर से वहाँ डीएससीपी पे कि हम लोगों ने कुछ रिजर्वेशन किया था आईपी एड्रेस का। एक मिनट, ये एक्सक्लूड कर दिया गया था हम लोगों ने एक्सक्लूड किया था कि 10.2 से लेके 10.10 तक किसी को न दी जाए। साथ ही साथ एक अपने पास ऑप्शन है एड्रेस लीजेस, जो जो कंपनी जो जो कंप्यूटर इससे कनेक्ट होगा, जो जो कंप्यूटर कनेक्ट होगा उसकी एंट्री यहाँ पर मिलने लगती है। जो एक कंप्यूटर का नाम है टेस्ट डॉट, सो अभी भी जो हम लोगों ने मशीन को जोड़ा है, जिस एक्सपी मशीन को, उसका जो होस्ट नेम है वो वही है जो वहाँ पे दिख रहा है। सो होस्ट नेम, कंप्यूटर का नाम जानने के लिए देखिए आप टेस्ट। ओके सो आप चाहो इस ऑप्शन देखियो, इस ऑप्शन से आप पता कर सकते हो कि कितने क्लाइंट्स को हमारा सर्वर आईपी एड्रेस दे रहा है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। और साथ ही साथ कब हमारा लीज एक्सपायर हो रहा है, कब उसकी आईपी रिन्यू कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ है हमारा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या होता है, न्यू रिजर्वेशन? अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग भरी टॉपिक है ये रिजर्वेशन और एक्सक्लूजन। सो अच्छे से समझाने के लिए मैं बताता हूँ। सपोज दैट ये मेरा डीएससीपी सर्वर है, DHCP। एक्सक्लूजन में हमने क्या था, एक पर्टिकुलर पूरा पूरा रेंज दे दिया था कि 10.1 से लेके 10 तक की आईपी किसी के अलॉट ना की जाए। लेटर में आप, हो सकता है सर्वर के लिए यूज करूं या किसी के लिए भी मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन जो रिजर्वेशन होता है वो किसी एक मशीन के लिए, मान के चलता हूं जो हमारी मशीन है, इसके लिए इसके मैक को कॉन्फ़िगर करते हुए, यानी इसके मैक के अकॉर्डिंग इसकी आईपी को हमेशा के लिए, वो डीएससीपी सर्वर इस मशीन के लिए हमेशा वही आईपी अलॉट करेगा, या इस क्लाइंट के लिए, हम मान के चलते हैं इस क्लाइंट को मैंने रिजर्व कर दिया, इस क्लाइंट का जो भी मैक एड्रेस है वो मैक एड्रेस की एंट्री यहाँ पे हो जाती है, और उस करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस पे डीएससीपी सर्वर वही आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो पहली टाइम ने उसने प्रोवाइड किया था। सो इससे होता क्या कि आपका लीज, मान के चलते हैं 8 दिन की लीज के बाद अगर लीज एक्सपायर हो जाता था तो आईपी हमारी चेंज हो जाती है। अगर हमने इसे रिजर्व कर दिया है तो लीज एक्सपायर होने के बाद भी हमको वही सेम आईपी मिलेगी। तो वही चीज है, आप रिजर्वेशन नेम रख सकते हो जो भी आपको रखना है, और उस कंप्यूटर की करस्पॉन्डिंग आईपी जो भी मिली है। मान के चलता हूं कि रिजर्वेशन, मैं मान के चलता हूं इसका नाम मैंने टेस्ट रख दिया, आईपी एड्रेस उस मशीन की क्या है, तो उस मशीन की आईपी एड्रेस देखने के लिए मैं एड्रेस लिस्ट पे आता हूँ। देखिए इसको 10.0.0.11 मिला है। फिर से रिजर्वेशन और न्यू रिजर्वेशन टेस्ट, आईपी एड्रेस को मैं एक बार कॉन्फ़िगर करता हूँ। सो 10.0.0.10, और उसका मैक एड्रेस जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो उसका मैक एड्रेस, अब मैं क्लाइंट पे जाता हूँ मैक एड्रेस जानने के लिए, और मैक एड्रेस जानने के लिए कमांड होता है, अगर आप लिखोगे गेट मैक तो आपको मैक एड्रेस मिल जाएगा। देखिए इस कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है, मैं उसमें एंट्री कर देता हूँ, और एंट्री करके तब वीडियो को मैं ऑन करता हूँ। ओके सो मैंने मैक एड्रेस उसका एंट्री कर दिया। आप चाहो उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरा सर्वर है, या इस क्लाइंट को चेंज नहीं करना है। सो मैं कहता हूँ माई ट्रस्टेड क्लाइंट, आप जो भी नाम देना चाहते हो, या आप डिस्क्रिप्शन नहीं भी रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ है कि किसके किसके लिए सपोर्ट की जाए। सो देखिए अभी बोथ को सपोर्ट कर रहा है, डीएससीपी और बूटपी। बूटपी पहले चला करती थी, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बनाया बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल्स, अभी डीएससीपी चला करती हैं। सो मैं ऐड करता हूँ, मशीन हमारी ऐड हो चुकी है। देखिए दूसरा आप स्कोप्स ऑप्शन, अभी जो स्कोप हम लोगों ने बनाया उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो स्कोप्स ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ और एडिटिंग करनी हो तो सपोज दैट कॉन्फ़िगर, और मान के चलो मैं, मेरे पास कई राउटर्स हैं, सो उस राउटर्स की एंट्री हम कर सकते हैं। या इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं मान के चलता हूँ एक हमारे पास एक और पाथ है जिस पाथ से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये राउटर हमारा फेल हो जाता है तो हमारा नेटवर्क इस राउटर के थ्रू एक्सेस करे,
उसकी भी इंट्री कर सकते हैं। और मान के चलते हमारे सर्वर में, हमारे नेटवर्क में दो दो डीएनएस सर्वर हैं, ये भी हमारा डीएनएस बना है और ये भी डीएनएस बना है, और मान के चलता हूँ एक और कोई डीएनएस बना है या मल्टीपल डीएनएस है, तो मल्टीपल डीएनएस और बाकी चीज़ों की इंट्री करने के लिए हम इस एडवांस ऑप्शन पे आते हैं। तो देखिए, एक और राउटर में ऐड कर सकता हूँ, मान के चलो 10.0.0.100 को ऐड कर देता हूँ, हो गया। बाकी की चीज़ें भी आप यहीं से कन्फिगर कर सकते हो, जैसे डीएनएस सर्वर्स के बारे में हो गया, नेम रिजोल्यूशन सर्वर के बारे में हो गया, इस एडवांस सेटिंग से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, सो मैं ओके करता हूँ। एक चीज़ हमारी और बची है यहाँ पे, देखिए वो सर्वर ऑप्शन वहाँ से ही, सर्वर स्कोप ये है और दूसरा सर्वर ऑप्शन। अगर आप सर्वर ऑप्शन पे जाओगे तो कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर करके आप यहाँ से भी कुछ एडवांस सेटिंग कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूँ डीएससीपी का बैकअप कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी हम एक कंपनी के केस में हम मान के चलते हैं ढेर सारी हम लोगों ने सेटिंग कर दी है, किसकी मैक एड्रेस की, किसको रोका है, किसको नहीं रोका है। अगर हम R2 की बात करें तो R2 वर्जन में हम मैक एड्रेस को भी फिल्टर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने कर दिया है, और मान के चलता हूँ मेरी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, और हार्ड तो उस केस में हमारा दिक्कत हो सकता है। सो आप डीएससीपी का बैकअप भी ले सकते हो। देखो मैं डीएससीपी सर्वर पे हूँ, यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है, बैकअप बटन पे हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी बैकअप यहाँ पे पड़ी होती है। देखिए, आप चाहे इस बैकअप का दूसरे फोल्डर में रख सकते हो, आप जहाँ पर भी रखना चाहो। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और उसी चीज़ को आप रिस्टोर करा सकते हो। देखिए, यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाऊँ तो वहाँ से भी एक हमको ऑप्शन मिलेगा, जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है हमारे बैकअप, हमारे डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट पाथ, मतलब कि कहाँ पे रखना चाहते हो, उसे आप ब्राउज करके एक दूसरे पाथ पे भी रख सकते हो। देखिए, मैंने यस किया और मैं ऊपर चला आता हूँ। मैं चाहूँ अपने डेस्कटॉप पे रखना तो मैं अपने डेस्कटॉप पे भी उसकी उसको रख सकता हूँ, या आपके पास दो दूसरी हार्ड डिस्क हो या कोई रिमूवेबल ड्राइव हो, वहाँ से भी अपने डेटाबेस रख सकते हो और रिस्टोर करा सकते हो। मैं मान के चलता हूँ सी ड्राइव में मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, उस फोल्डर का नाम भी टेस्ट रख देता हूँ, और मैं अपना डेटाबेस इस टेस्ट नाम फोल्डर में रखना चाहता हूँ। आपके पास दूसरी पार्टीशन है या रिमूवेबल ड्राइव है, सो दूसरी पार्टीशन में स्पेशली हम डेटाबेस अपना रखेंगे, और बैकअप पाथ उसकी एक कॉपी बने, उसकी एक नई प्रति बने। आप प्रति भी दूसरे पार्टीशन में रख सकते हो चाहो तो, या आपने ऑलरेडी अगर डेटाबेस को दूसरे पार्टीशन में रख दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपकी डेटा लॉस हो जाएगी डीएससीपी से रिलेटेड। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा मैं फिर से एक बार ब्रीफ में रिकॉल कर दूं, इस वीडियो में हमने जाना कुछ एडवांस सेटिंग के बारे में, जब हमारे पास मल्टीपल डीएनएस होते हैं, मल्टीपल सर्वर होते हैं, मल्टीपल राउटर होते हैं, और एड्रेस रिजर्व करना होता है, एक्सक्लूजन, इन सब चीज़ों के लिए हम कैसे सेटिंग करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए। आप चाहें तो हमारी वीडियो इस ब्लॉग पर भी देख सकते हैं, जो है adityakrgaur.blogspot.com, या वो फेसबुक पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, adityagaur@gmail.com। वो अगर उनकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है रिगार्डिंग वीडियो, तो हमको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और वो चाहे तो YouTube पे भी हमारी वीडियो फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।